करंट अफेयर्स में इतना सारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे पढ़ते रहे तो पूरा साल निकल जाएगा। तो आइए हम करंट अफेयर्स को आसान बनाते हैं FoolsDen के साथ। I am Manjari Agarwal from FoolsDen and I'll be making the cumbersome current affairs simplified. So I'll be discussing the weekly current affairs with you all. So aaiye ab hum shuru karte hain current affairs of 15 to 21st July. Hamari first news hai, first ever Himalayan States Conclave to be hosted by Uttarakhand on July 28th, 2019. तो हमें इसमें सबसे पहली चीज ये important है कि this is the first edition. इससे पहले आज तक कभी भी हिमालयन स्टेट्स ने कोई भी कॉन्क्लेव नहीं की थी, ठीक है। अब इसे हम ये देखते हैं कि हिमालयन स्टेट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे मैप में हमें दिख रहा है जे एंड के, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो कि अभी इस बार का होस्टिंग स्टेट है, एंड सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड द सेवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच आर कॉल्ड एज द सेवन सिस्टर्स, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि ये मसूरी में हो रही है, ठीक है। मसूरी इज द प्लेस जहाँ पे ये कॉन्क्लेव होने वाली है। अब इस कॉन्क्लेव का थीम क्या है? थीम इज अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम जान रहे हैं कि हिमालयन रीजन में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेज आते जाते हैं, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड एट्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ों को कर्ब करने के लिए हिमालयन स्टेट्स ने अपनी कॉन्क्लेव रखी है एंड उसका थीम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कौन सी जगह पे? उत्तराखंड में। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द एक्सटिंक्शन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन। तो ये जो दोनों बर्ड की स्पीशीज है इनकी पॉपुलेशन 80% डिक्लाइन हो चुकी है एट प्रेजेंट। इसी चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है टू टेक द नेसेसरी एक्शंस जिससे कि हम इनकी एक्सटिंक्शन को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि इसका IUCN स्टेटस क्या है। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कंजर्वेशन यूनियन फॉर नेचर, ठीक है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कच्छ और राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ एरियाज में मिलता है एंड लेसर फ्लोरिकन नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में पाया जाता है। तो इसका कंजर्वेशन स्टेटस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये सिर्फ दो लेवल ही दूर है एक्सटिंक्ट होने के, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक पैनल बनाई है क्योंकि ये बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली लेसर फ्लोरिकन इज अ एंडेंजर्ड स्पीशी, ये भी बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सिर्फ तीन लेवल्स ही दूर है एक्सटिंक्शन से। ऑलराइट, तो अभी हमें दोनों का IUCN स्टेटस याद होना चाहिए। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तान टू अलाउ 5,000 सिख पिलग्रिम्स पर डे टू विजिट द गुरुद्वारा करतारपुर साहिब। अभी हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो गुरुद्वारा है करतारपुर साहिब, यहाँ पे 5,000 पिलग्रिम्स इंडिया के सिख पिलग्रिम्स को परमिशन दी जाएगी जिससे कि वो विजिट कर सकें, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि करतारपुर साहिब कहाँ पे है फर्स्ट, सेकंड ऑफ ऑल कि कौन सी एरिया में है या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका डिस्ट्रिक्ट ही करतारपुर है, ठीक है। एंड जो इंडिया का जो गुरुद्वारा है डेरा बाबा नानक, ये है गुरदासपुर में। तो यहाँ से अब एक गवर्नमेंट कॉरिडोर बनाएगी 2 किलोमीटर्स का जो रावी नदी को पार करके अब सिख पिलग्रिम्स जाके विजिट कर सकते हैं। अब करतारपुर की एक और स्पेशलिटी ये है कि ये गुरु नानक देव जी का बर्थ प्लेस एंड गुरु नानक देव जी ने ही इसे बनवाया था, ठीक है, इन द ईयर 1522। तो इनकी 550th एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान हैज कमिटेड टू ऑपरेशनलाइज द कॉरिडोर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेट साथी प्रोग्राम गूगल एंड टाटा ट्रस्ट का इनिशिएटिव है। ये 2015 से चला आ रहा है बट इसे अभी फिलहाल पंजाब एंड ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड किया गया है।
एंड अब हमें ये जानना जरूरी है कि ये जो इनिशिएटिव है ये किसको फोकस करने के लिए है. ये फोकस करता है डिजिटल लिटरेसी अमंग द वुमेन इन रूरल इंडिया. अब इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है. जब भी इंटरनेट हमारे दिमाग में आता है हम गूगल के बारे में सोचते हैं, राइट. तो गूगल के साथ टाटा ने टाई अप करके ये इनिशिएटिव लाया है फॉर प्रमोटिंग द डिजिटल लिटरेसी ऑफ द रूरल वुमेन. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द 12 इंडियन बीचेस इन द रेस टू क्रेस्ट द ब्लू फ्लैग चैलेंज. अब ब्लू फ्लैग का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ अ सर्टिफिकेशन जो बीचेस को दिया जाता है अगर वो सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अबाइड करते हैं. तो अब वो कौन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स लाइक सिक्योरिटी सर्विसेज, सेफ्टी फॉर टूरिस्ट, क्लेनलीनेस, एनवायरमेंटल प्रोप्राइटी, क्लीन बीचेस, टॉयलेट की फैसिलिटीज है. अगर ये सारी चीज़ें हैं उनमें तो उनको क्लीन बीच कहा जाता है या फिर ब्लू फ्लैग बीच कहा जाता है, ठीक है. अब हमें ये जानना है कि कौन सा एशिया का फर्स्ट बीच है. तो एशिया का फर्स्ट बीच है चंद्रभागा बीच ऑन द कोना कोस्ट ऑफ ओडिशा. ये हमें याद होना चाहिए कि चंद्रभागा बीच को फर्स्ट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है. अब इसे एक फाउंडेशन है उसका नाम है फी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन. ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ब्लू फ्लैग प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, ठीक है. तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया टू बी फ्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय 2025. तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंटेरियंस को प्रॉमिस किया है कि बाय 2025 इंडिया वुड बी टीबी फ्री, ठीक है. एंड जबकि ग्लोबल डेडलाइन है 2030 की. 2030 इज द ग्लोबल डेडलाइन बट इंडिया इज बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट वी विल अचीव इट बाय 2025 इटसेल्फ. एंड थीम क्या है हमारे मिशन का या एम क्या है? टीबी हारेगा और देश जीतेगा. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट श्रीलंका एंड इरकॉन इंटरनेशनल. इन्होंने एक डील साइन की है टू अपग्रेड द रेलवे ट्रैक बिटवीन कोलंबो एंड जाफना, ठीक है. और ये डील कितने की है? $91.26 million. तो इरकॉन इज द इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी जो श्रीलंका की गवर्नमेंट को हेल्प करेगा उनकी रेलवे लाइन 130 किलोमीटर्स की अपग्रेड करने में. द नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द 8th एडिशन ऑफ इंडिया एंड चाइना का मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज. ये नाम हमें याद होना चाहिए, ठीक है. ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेस कंडक्ट होते रहती हैं मिलिट्री की, डिफेंस की, नेवी की, वो हम देखते जाएंगे आगे की क्लासेस में. जनरली विद द नेबरिंग कंट्रीज होती है, ठीक है, टू प्रिवेंट द काउंटर टेररिज्म अटैक्स या फिर कोई भी डिजास्टर आ सकते हैं. तो ये जनरली जॉइंट कॉम्बैट्स परफॉर्म करते हैं इन ऑर्डर टू फाइट फॉर द फ्यूचर डिजास्टर्स, ठीक है. तो अब ये इसकी लोकेशन हमें याद होनी चाहिए कि कहाँ होने वाला है. ये इस बार मेघालय में होने वाला है, ठीक है. मेघालय में भी स्पेसिफिकली एट उमरोई, ये शिलोंग के पास है. तो हमें ये पता होना चाहिए. अब इसे हम कैसे याद रख सकते हैं कि हैंड इन हैंड मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच में है. हम ऐसे कहते हैं ना हिंदी चीनी भाई भाई, तो हिंदी चीनी भाई भाई मीन्स दे विल ऑब्वियसली शेक हैंड्स. ठीक है, तो हैंड शेकिंग से हम याद रख सकते हैं भाई भाई हाथ मिला रहे हैं या गले मिल रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ई पोस्टल बैले रिसीव्ड 60.14% टर्नआउट इन 2019 लोकसभा इलेक्शंस. तो नाउ लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज ETPBS. ETPBS इज जनरली द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द पोस्टल बैले सिस्टम, ठीक है. पहले हम पेपर यूज करते थे, मैनुअली पेपर डाल करके वोटिंग की जाती थी, अब इलेक्ट्रॉनिक होते जा रहा है, ठीक है. तो
इसमें ये चीज इम्पॉर्टेंट है कि 60.14% वॉज द वोटर रेशियो टर्न आउट. यू मस्ट रिमेम्बर इट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड 13 लैक्स अप्रॉक्स वोटर्स वोटेड इन 2014 द सर्विस इलेक्टर्स, वेर एज 18 लैक्स सर्विस इलेक्टर्स वोटेड फॉर द 2019 इलेक्शंस. नाउ वील सी हु इज अ सर्विस इलेक्टर. सर्विस इलेक्टर जनरली कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल डिप्लॉयड हो गवर्नमेंट के काम के लिए, फॉर एग्जाम्पल लाइक पैरामिलिट्री फोर्सेज या मिलिट्री या पुलिस, वो अगर अपनी जगह छोड़ करके कहीं और पे कोई और लोकेशन पे काम कर रहे हैं तो दे विल बी क्लासिफाइड एज द सर्विस वोटर, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रेजेंट नहीं होंगे टू कास्ट देयर वोट. ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज गिवन देम अ प्रोविजन कि यू कैन वोट इन अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विस वोटर्स. तो अभी एक और चीज हमें यहाँ पे देख लेनी चाहिए कि ETPBS का मोटो था नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, हेंस दे हैव गिवन द वेटेज टू द सर्विस वोटर्स कि आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं नो मैटर आप कहाँ पे हैं अपनी ड्यूटी में. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट फ्रेंच टाइकून बर्नर्ड आर्नोल्ड हैज टेकन द सेकेंड रैंक फॉर वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन. ही हैज रिमूव द बिल गेट्स. बिल गेट्स अब नहीं रहे एनी मोर, इट इज मिस्टर बर्नर्ड. अब मिस्टर बर्नर्ड इज द CEO ऑफ अ वेरी रिनाउंड ब्रांड फॉर बैग्स दैट इज लुई विटॉन एंड मोएट हेंसी. सो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं, बर्नर्ड आर्नोल्ड का इनिशियल्स लेकर के, एंड दिस इज गिवन बाय द ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स. ठीक है, तो ब्लूमबर्ग का हम जी रख सकते हैं इन द एंड बैग, एंड लुई विटॉन इज अ बैग का ब्रांड है ना. लुई विटॉन इज अ वेरी फेमस बैग ब्रांड, सो वी कैन रिमेंबर इट लाइक दैट. एंड जेफ बेजोस इज द वर्ल्ड्स richest person. He is the rank 1, the CEO of Amazon, and his net worth is $124 billion, and third is now Bill Gates. The next news is about G7 countries will be taxing the gigantic digital companies. So France will be the first country to tax digital companies like Google, Apple, Facebook and Amazon. तो इस tax का नाम दिया गया है GAFA tax. ठीक है, the initials of all the companies who are minting money without having a physical presence. ठीक है, so The G7 countries ने डिसाइड किया है कि हम ऐसी डिजिटल कंपनीज को टैक्स करेंगे जिनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, और फ्रांस फर्स्ट कंट्री होगी आउट ऑफ द G7 कंट्रीज. तो ये हमें याद रखना चाहिए. एंड देख लेते हैं G7 कौन कौन सी कंट्रीज मिलके बनाती हैं. कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड last but not the least United States of America. The next news is about Meghalaya becomes the first state to have water policy. अच्छा, मेघालय के नाम से हमें समझ आता है right कि it is something related to मेघ यानी कि clouds, and clouds से होती है बारिश. So हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि water policy मेघालय ने बनाई है. The only state at present to have its water policy is Meghalaya. And the highly receiving rainfall places Mausinram and Cherrapunji, the two places are also situated in Meghalaya. And now we'll see what is the capital of Meghalaya. It is Shillong and the governor is Tathagat Roy. So we must know these small facts as well. The next news is about setting up of a neutrino observatory.
तो इंडिया की जो फर्स्ट न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है वो आने वाली है पोट्टीपुरम के थेनी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, नियर द बोधी हिल्स. तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि ये कहाँ लोकेटेड है. ऑप्शन दे देगा बोधी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, जाफना, एनीथिंग, ठीक है, आपको कंफ्यूज कर सकता है. बट वी मस्ट नो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नीलगिरी, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बोधी हिल्स. एंड इसका स्पेशल चीज़ क्या है कि इसमें एक 51,000 टन का आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर लगेगा, जिसको आई कैर डिटेक्टर भी कहते हैं, ठीक है. इससे कोई भी कॉस्मिक रेज या नॉइज पोल्यूशन या कोई भी रेडिएशंस बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है. एंड नाउ वी शुड नो व्हाट इज अ न्यूट्रिनो. न्यूट्रिनो इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट फॉर्म द यूनिवर्स, ठीक है. वी शुड नो व्हाट आर द न्यूट्रिनोज. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2019 इज द 7% बाय एडीबी डेवलपमेंट आउटलुक. द एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट होती है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2019, ठीक है, जिन्होंने इस बार का 2019 का ग्रोथ बताया है कि 7% होने वाला है और 2020 में एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट वुड बी 7.2%. तो हमें बस ये पता होना चाहिए कि कितना होने वाला है एक्सपेक्टेड ग्रोथ फॉर द फिस्कल ईयर. नाउ लेट्स सी समथिंग अबाउट एडीबी. एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इसका मोटो है फाइटिंग पॉवर्टी इन द एशिया एंड पैसिफिक रीजन. सो एज द नेम सजेस्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेंस इट इज़ फॉर द एशियन कंट्रीज. तो इसका हेडक्वार्टर्स है मनीला फिलीपींस में एंड द प्रेसिडेंट इज टाकेहिको नकाओ. द नेक्स्ट न्यूज इज कि इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड फॉर 2019 इज टाटा फॉर द सेकेंड टाइम. दैट इज कि 2018 में भी टाटा वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड एज पर द ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 का 2019 रिपोर्ट. सो दे टेक द 100 कंपनीज एंड फ्रॉम दैट दे रैंक द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू. तो टाटा हैज टॉप्ड द रैंक. टू इज LIC, here it's shown in the image, and rank 3 is Infosys, ठीक है. So we must know that Tata is the rank 1. The next news is about Benjamin Netanyahu makes history as he becomes the longest serving Israeli Prime Minister. So he's 69 years old and he has surpassed the record of the founding father, who is David Ben Gurion. He is the David Ben Gurion and this is Mr. Benjamin Netanyahu. ठीक है, तो इन्होंने इनका रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है एंड हैज अर्न्ड द टाइटल ऑफ लॉन्गेस्ट सर्विंग इजरायली प्राइम मिनिस्टर. इंडिया का इजराइल के साथ बहुत अच्छा रिलेशन क्यों है? For the defense. So hence we must know this from exam point of view because the Israel is a largest defense supplier for India. Next news is International Justice Day observed on 17th July. So International Justice Day ke kuch alag alag naam bhi hai. World Day for International Justice या तो इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे या फिर सिंपली इंटरनेशनल जस्टिस डे. तो अभी हमें इसकी डेट इम्पॉर्टेंट है और वो याद होनी चाहिए. इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? 17 से राइमिंग है खतरा, तो 17 का खतरा एंड खतरा से डिपिक्ट होता है कि कोई ना कोई क्राइम हो सकता है. सो इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू
क्रिमिनल जस्टिस डे, क्राइम होगा तो ऑब्वियसली उससे उसके लिए हमें जस्टिस मिलेगा, ठीक है. तो 17th जुलाई इज द इंटरनेशनल जस्टिस डे. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2019. तो अभी प्रेजेंटली ये 30th मई से 14th जुलाई तक हुआ, ठीक है. एंड कौन सी कंट्री जीती? फॉर द फर्स्ट टाइम इंग्लैंड वन द वर्ल्ड कप टाइटल. एंड वेयर वॉज इट? इट वॉज अगेन, इट वॉज इन इंग्लैंड, ठीक है. जीता भी इंग्लैंड और हुआ भी इंग्लैंड में. मैच जो था वो बहुत ही टफ था, इसीलिए एक सुपर ओवर का कॉन्सेप्ट यूज किया गया टाई ब्रेकर के लिए, एंड उसके बावजूद इंग्लैंड जीत गया न्यूजीलैंड को बीट करते हुए. अब इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, वो कहाँ होने वाला है? वो होने वाला है इंडिया में, ठीक है. सो 2023 नेक्स्ट वर्ल्ड कप विल बी इन इंडिया. इंडिया इज द होस्ट कंट्री, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट अगेन स्पोर्ट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वॉज द 2019 विंबलडन चैंपियनशिप्स एंड इसका 133rd एडिशन था इस साल, ठीक है. एंड द थर्ड ग्रैंड स्लैम. अभी इसमें हमें यह जानना जरूरी है कि ये कहाँ हुआ. ये लंदन, अगेन यूके में ही हुआ, ठीक है. इसके विनर्स मेन सिंगल्स के थे नोवाक जोकोविक. हियर ही इज द गाय, ही डिफीटेड फेडरर, ठीक है. ही डिफीटेड फेडरर. एंड फीमेल विमेन सिंगल्स की विनर थी साइमोना हैलेप, ठीक है. शी डिफीटेड सेरेना विलियम्स. सो बोथ ऑफ देम डिफीटेड द टू बिग लेजेंड्स ऑफ द टेनिस. वी मस्ट रिमेंबर देयर नेम्स, नोवाक जोकोविक एंड साइमोना हैलेप. द नेक्स्ट न्यूज इज अगेन अबाउट स्पोर्ट्स. शी इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल, ठीक है. हर नेम इज हिमा दास, शी इज फ्रॉम असम. एट प्रेजेंट शी इज वन 6 गोल्ड, बट टिल दैट डेट ऑफ जुलाई शी वॉज विथ हर 3 गोल्ड्स इन हर पॉकेट, ठीक है. अभी एक क्लाडनो मेमोरियल एथलेटिक्स मीट चल रही है चेक रिपब्लिक में. So she participated in that and she clinched 3 gold medals, being an Indian sprinter from Assam. So we should know about her because it is very important from our exam point of view. Abhi jo athletics meet hai wo Europe mein chal rahi hai. The next and the last news is about the 3-time Delhi CM, Mrs. Sheila Dixit. She passed away in New Delhi. So she got a cardiac arrest and she died. It was a unfortunate death. She was 81 years old. 3 बार CM रह चुकी है दिल्ली की, ठीक है. हमें डेट नहीं याद रखना है कब उनका देहांत हुआ, बट हमें पता होना चाहिए कि वो 3 बार रह चुकी है चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. Thank you so much. Hope you guys enjoyed and you liked this session. Please like, share and subscribe to our channel foolsden.com and see you guys in the next video.